सो हेलो एवरीवन, आज हम एमसीक्यूज करने हैं कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी के। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्लासेस के बारे में एक बार बता दूं। सो अगर अभी तक आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आप प्लस के कोर्सेज देखने के लिए अनएकेडमी पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। वहां पे आप पेपर वन और पेपर टू के लिए मेरे कोर्सेज देख पाओगे, पहली चीज है। इसके अलावा सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप रेफरल कोड यूज कर सकते हो जो है कमलवीर एस। अगर आप इसे यूज करते हो तो आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिलता है और बाकी सारे एजुकेटर्स की क्लासेस भी देख पाते हो। सभी क्लासेस की पीडीएफ और सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो जिसका नाम है अनअकैडमी एनटीए अंडरस्कोर कमलवीर सिंह, और इसका लिंक अभी मैं कमेंट बॉक्स में भी शेयर कर दूंगा, पिन कर दूंगा, क्लिक करके ज्वाइन कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, अपेंजल इनर होडन एंड ग्लारस आर रिलेटेड टू डैश। तो ये दो आप कह लीजिए कि हाफ कैंटोन्स हैं, स्टेट्स हैं, आप इसे कुछ भी कह सकते हो। ये किससे जुड़े हैं? प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी से। यहाँ प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी प्रैक्टिस होती है। एरिस्टोटल से जुड़े हैं, डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी या डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो अपेंजल, इनर होडन और ग्लारस किससे जुड़े हैं यह आपको बताना है। सो सही आंसर है इसके लिए ऑप्शन डी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ये दो हाफ कैंटोन्स हैं कहां के? स्विट्जरलैंड के, जहां पे अभी भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी प्रैक्टिस की जाती है। ओके, दो हाफ कैंटोन्स हैं अपेंजल, इनर होडन और ग्लारस, ठीक है, ये आपने याद रखना है। टोटल 26 कैंटोन्स हैं, 26 स्टेट्स आप इसे कह सकते हैं। चलिए यहां पे, और जो असेंबली होती है जहां पे सभी लोग मिलकर के डिसीजन लेते हैं उसे कहते हैं लैंड्स जेमिनेट। ये भी आपने याद रखना है, जो असेंबली जहां पे सभी लोग मिलकर के आके कोई डिसीजन लेते हैं उसे लैंड्स जेमिनेट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर टू है, जेम्स मेडिसन इज फाउंडिंग फादर ऑफ डैश कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। जेम्स मेडिसन डेमोक्रेसी के किस कंसेप्ट के फादर कंसीडर किए जाते हैं? टोटेलिटेरियन डेमोक्रेसी के, आइडियल डेमोक्रेसी के, प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी या इलिटिस्ट डेमोक्रेसी। सो जेम्स मेडिसन किसके फाउंडिंग फादर है? टोटेलिटेरियन, आइडियल, प्लूरलिस्ट, एलिटिस्ट। एलिटिस्ट होता है अभी जाते, प्लूरलिस्ट होता है बहुलवाद, आइडियल होता है, आइडियल को क्या कहेंगे, आदर्श। टोटेलिटेरियन, मेरे ख्याल से आप समझते होंगे क्या टोटेलिटेरियन का मीनिंग होगा। तो टोटेलिटेरियन के लिए वर्ड क्या है? सर्वाधिकार। सो सही आंसर है इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन सी, प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी। और रॉबर्ट ए डालबी से जुड़े हुए हैं। सो फाउंडिंग फादर है जेम्स मेडिसन और रॉबर्ट ए डालबी से जुड़े हुए हैं। प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी, जेम्स मेडिसन इसके फादर माने जाते हैं, आपने याद रखना है। इसको मेडिसियन डेमोक्रेसी भी कहा जाता है, प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी को, क्योंकि ये इससे जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन है, ये किसने कहा? अमंग अ पीपल जनरली करप्ट लिबर्टी कैन नॉट लॉन्ग एग्जिस्ट। तो ये किसने कहा कि ज्यादातर, जहां पे ज्यादातर लोग करप्ट हैं, भ्रष्ट हैं, वहां पे लिबर्टी ज्यादा देर तक एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। यानी कि आप मान लीजिए कुछ करप्ट नेता हैं, और ये कह रहे हैं ज्यादातर लोग यानी कि नेता करप्ट होते हैं, तो वहां पे आप कह लीजिए डेमोक्रेसी होगी भी। अगर अगर लीडर करप्ट है लेकिन डेमोक्रेसी है, लेकिन लीडर करप्ट है, तो जो आपकी लिबर्टी है, आप फ्रीडम है, इक्वालिटी है, जो भी डेमोक्रेटिक वैल्यूज है, वो ज्यादा देर तक नहीं एग्जिस्ट कर पाएंगी। एरिस्टोटल ने कहा था ये, प्लेटो ने, एडमंड बर्क या रॉबर्ट नोजिक, कि ज्यादातर लोग करप्ट हैं तो लिबर्टी ज्यादा देर तक एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये बात एडमंड बर्क ने कही है। और एडमंड बर्क को फादर किया जाता है किसका कंसीडर? कंजर्वेटिज्म का फादर एडमंड बर्क को कंसीडर किया जाता है, ठीक है, ओके। इसके अलावा एक थ्योरी है जिसके बारे में आप लोग मुझे बताओगे, कि आपको कमेंट करके बताना सभी लोगों को, एलेगिरी ऑफ केव का कंसेप्ट किसका है? एलेगिरी ऑफ केव का कंसेप्ट इनमें से किसका है? एलेगिरी ऑफ केव इन चारों में से, ये तो चलो आंसर आप लोग बताओगे मुझे। एक और क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे बताना है, और वो क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा स्कॉलर है जो कि मिनिमलिस्ट स्टेट से जुड़ा है, मिनिमलिस्ट स्टेट से या मिनिमल स्टेट से। और इनका एक कोटेशन भी है, ओनली मिनिमल स्टेट इज जस्ट, ओनली मिनिमल स्टेट इज जस्ट, ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ स्टेट आर अनजस्ट। ये बात किसने कही? रॉबर्ट नोजिक ने। क्वेश्चन है, कंसेप्ट ऑफ पॉलियार्की इज गिवन बाय डैश।
तो पोलियार्की का कंसेप्ट किसने दिया था? डेविड ईस्टन ने पोलियार्की का कंसेप्ट दिया था, रॉबर्ट ए डाल ने पोलियार्की का कंसेप्ट दिया है, जेम्स मेडिसन ने पोलियार्की का कंसेप्ट दिया है, या विल फरेडो पेरेटो ने पोलियार्की का कंसेप्ट दिया है? सही आंसर है इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन बी, रॉबर्ट ए डाल। पोलियार्की कंसेप्ट इससे जुड़ा है। कमेंट बॉक्स में एक आंसर आपको लिख के मुझे बताना है, इन चारों में से ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि सर्कुलेशन ऑफ इलीट्स, ये कंसेप्ट इन चारों में से किससे जुड़ा है? सर्कुलेशन ऑफ इलीट्स, ये आपके लिए क्वेश्चन है। देखो ये वाली पीडीएफ मैं टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर दूंगा, आपको ज्वाइन करके देख लेना। इसमें और भी सारी चीजें हैं, जैसे रॉबर्ट डाल की जो प्लूरलेस डेमोक्रेसी का कंसेप्ट है पूरा यहाँ लिखा हुआ है, आप बाद में देख सकते हो। इनकी बुक है प्रीफेस टू डेमोक्रेटिक थ्योरी 1956, इसके बारे में सारी चीजें यहाँ पे है कि पोलियार्की क्या है, 8 रिक्वायरमेंट्स फॉर पोलियार्की, ये भी है। आप इसमें इसको बाद में पढ़ना अच्छे से, सारी चीजें हैं। सो क्वेश्चन है जी, एक बुक है जो कि पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के कंसेप्ट पे लिखी गई, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। सो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी यानी कि सहभागिता डेमोक्रेसी का कंसेप्ट है, जो भाग लेने वाली है ना, ठीक है। सो इसके ऊपर एक बुक लिखी गई, ठीक है, और बुक का नाम है स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के कंसेप्ट के ऊपर बुक लिखी गई, स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी। दो चीजें यहां से आपको इस क्वेश्चन के बाद पता चल जाएंगी। पहली बात तो ये कि पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी से इन चारों में से कौन जुड़ा है, ये आपको पता चलेगा, और दूसरी चीज इसके ऊपर बुक कौन सी लिखी गई, ये भी आपको पता चलेगा। तो ये रॉबर्ट ए डाल ने लिखी है, बेंजामिन बार्कर ने, रॉबर्ट मिशेल्स ने, अरुंधति रॉय ने। क्वेश्चन है जी यहाँ पे, इसके लिए सही आंसर है बेंजामिन बार्कर। अभी आपको इसे याद रखना है, ठीक है। अभी आपकी रिवीजन के लिए एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं, और वो ये है, अभी हमने किया है, पोलियार्की का कंसेप्ट किसने दिया है? बस आपको कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताना है, पोलियार्की का कंसेप्ट किसने दिया है, और रॉबर्ट मिशेल्स का वो क्या है, कोटेशन क्या है, वन सेज ऑर्गेनाइजेशन सेज ओलिगार्की, है ना, वन सेज ऑर्गेनाइजेशन सेज ओलिगार्की, आयरन लॉफ ओलिगार्की इनका कंसेप्ट है, पॉलिटिकल पार्टीज बुक। बेंजामिन बार्कर के बारे में कुछ चीजें लिखी हुई है, बाद में इसे आप पढ़ सकते हो। बेंजामिन बार्कर कहते हैं कि डेमोक्रेसी ऐसा नहीं कि डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ पॉलिटिकल सिस्टम में डेमोक्रेसी हो, यानी कि पार्लियामेंट तक डेमोक्रेसी, ऐसा नहीं। वो कह रहा है कि डेमोक्रेसी फैमिली में भी हो, डेमोक्रेसी स्कूल में भी हो, हर एक सोशल इंस्टीट्यूशन में डेमोक्रेसी हो। इसका मतलब क्या, फैमिली में भी डिसीजन मेकिंग ऐसी होनी चाहिए सभी लोग मिलके डिसीजन ले, स्कूल में भी सभी लोग मिलके डिसीजन लेंगे, एक इंसान नहीं लेगा। तो द डेंजर इज नॉट डेट अ पर्टिकुलर क्लास इज अनफिट टू गवर्न, एवरी क्लास इज अनफिट टू गवर्न। हिंदी में इसे थोड़ा सा मैं आपके लिए इसका तर्जुमा कर दूं, ट्रांसलेट कर दूं। वो कह रहे हैं कि डेंजर इस बात में नहीं, खतरा इस बात में नहीं कि एक पर्टिकुलर क्लास है जो कि अच्छे से गवर्न नहीं कर सकती, चाहे वो कोई क्लास हो, चाहे वो कोई कास्ट हो, चाहे कोई रिलीजन हो, कुछ भी मान लो। ऐसा नहीं कि कोई एक क्लास कास्ट रिलीजन है कि जो अच्छे से गवर्न नहीं कर सकता। वो कह रहे हैं असली बात ये है, हर एक क्लास अनफिट है गवर्न करने के लिए। ये लॉर्ड एक्टन ने बात कही थी, एरिस्टोटल ने, पेरेटो या अडोल्फ हिटलर ने? इसके लिए सही आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड एक्टन। याद रखिएगा इस क्वेश्चन के लिए अभी आंसर आप लोग। इनमें से किसने ये कहा है, आपको आंसर कमेंट करके मुझे बताना है। और क्वेश्चन ये है कि इनमें से किसने कहा है, वी मैन आर अनफिनिश्ड मैन, वीमेन आर अनफिनिश्ड मैन, यानी कि उनकी अपने आप में कोई एग्जिस्टेंस नहीं वीमेन की, जो मैन कंप्लीट नहीं है वो वीमेन होते हैं, बस उनकी कोई अपनी सोलो एग्जिस्टेंस नहीं है वीमेन की। सो अभी एक काफी लंबा कोटेशन है, आपको बताना ये किसका कोटेशन है। सो कोटेशन है जी, एवरी मैन टू काउंट फॉर वन एंड नो वन टू काउंट फॉर मोर देन वन, हर एक इंसान की एक वोट की एक कीमत होनी चाहिए, एक से ज्यादा किसी की भी नहीं। अपियर्स मोर देन एनी अदर फॉर्मूला टू कॉन्स्टिट्यूट द इरिड्यूसिबल मिनिमम ऑफ द आइडियल ऑफ इक्वालिटी। ये बात किसने, रॉबर्ट नोजिक ने कही, इसाय बर्लिन ने, जेएस मिल ने, या जेकब टेलमन ने? देखो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर तो इसाय बर्लिन है ना,
बी ऑप्शन है। अभी कुछ क्वेश्चन जिनका आंसर आप लोग मुझे लिख के बताओगे वो ये है कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि वैल्यू प्लूरलिज्म का आइडिया इनमें से किसने दिया। वैल्यू प्लूरलिज्म मूल्य बहुलवाद, ठीक है, ये आइडिया किसने दिया, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो जेकब टेलमन है, जेकब टेलमन ने किसे आर्किटेक्ट ऑफ टोटलिटेरियन डेमोक्रेसी कहा। जेकब टेलमन ने किसे आर्किटेक्ट ऑफ टोटलिटेरियन डेमोक्रेसी कहा, ये क्वेश्चन नंबर टू है। यहां पे कुछ कोटेशन लिखे हुए हैं एरिस्टोटल के, बाद में पीडीएफ डाउनलोड करना टेलीग्राम से और ये पढ़ लेना अच्छे से, इन्हें याद रखना। डेमोस एंड क्रेशियो, डेमोस का मतलब होता है पीपल, क्रेशियो का मतलब होता है आपकी पावर या कैपेसिटी टू रूल। ये जो दो वर्ड्स हैं ये किस लैंग्वेज के हैं जिससे डेमोक्रेसी बना बाद में, रोमन लैंग्वेज के हैं, ग्रीक लैंग्वेज के हैं, लैटिन लैंग्वेज के हैं, जर्मन है या फिर फ्रेंच है। सो डेमोस का मतलब पीपल, क्रेशियो का मतलब कैपेसिटी टू रूल। ये दोनों वर्ड्स हैं वहीं के जहां से डेमोक्रेसी आई है। कहां से आई है, एथेंस से, और एथेंस कहां पे है, ग्रीस में, ये ग्रीक वर्ड है। अभी जो आपको क्वेश्चन मैंने बताया आंसर वही क्वेश्चन आ गया फिर से। वर्ड डेमोस का मतलब क्या है, अथॉरिटी, पोजीशन, पावर, पीपल, इजिएस्ट क्वेश्चन। सो ये है जी पीपल, लोग। अगला क्वेश्चन है क्रेशियो, सेम क्वेश्चन है, क्रेशियो का मतलब पावर है, पीपल है, स्टेट है, गवर्नमेंट है, सोवरन है। सो क्रेशियो का मतलब है पावर और कैपेसिटी टू रूल, ऑप्शन ए सही आंसर है। सो क्वेश्चन है जी, हु सेड दैट डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। ये ऑप्शन यहां पे नहीं है, इसे हटाओ, एबीसी में से आंसर करके आपको बताना है मुझे लिख के। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, लोगों की, लोगों द्वारा, लोगों के लिए सरकार। इसके लिए सही आंसर आपको पता ही है, अब्राहम लिंकन है। आप लोगों ने मेरे ख्याल से अगर प्लस वन प्लस टू में भी आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा होगा तो तभी आपने ये पढ़ लिया होगा, और ग्रेजुएशन में भी पढ़ा होगा ये बात, तो है ना। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, लेकिन आपको बताऊं कि अब्राहम लिंकन के ऊपर एक बहुत अच्छी हॉलीवुड की मूवी भी है, मतलब इनकी पॉलिटिक्स से जुड़ी नहीं, मतलब पॉलिटिक्स उसमें आप कह लीजिए सिर्फ 1% है और वो सारी फिक्शनल है, मतलब हमारे उस सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं। वेम्पायर वाली एक मूवी बनी है अब्राहम लिंकन के ऊपर, कि ये वेम्पायर हंटर होते हैं, मतलब कभी आप एंटरटेनमेंट के लिए देख सकते हैं, अदरवाइज पॉलिटिकल साइंस से कोई लेना देना नहीं है। अब्राहम लिंकन उसमें एक वेम्पायर हंटर होते हैं। इन डेमोक्रेसी सोवरेनिटी रिसाइड्स इन डैश, डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में सोवरेनिटी यानी कि संप्रभुता किसके पास होती है, हेड ऑफ द स्टेट। इंडिया में हेड ऑफ द स्टेट कौन है, प्रेसिडेंट। हेड ऑफ द गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर। हेड ऑफ द जुडिशरी, चीफ जस्टिस। अमंग द पीपल, आम लोग, यानी कि आप और मैं, किसके पास सोवरेनिटी है इंडिया में, कह लो बस। सो सही आंसर है इसके लिए, अमंग द पीपल, आम लोगों के पास सोवरेनिटी होती है। देश का पहला नागरिक कौन होता है, हेड ऑफ द स्टेट यानी कि प्रेसिडेंट, है ना, पहला नागरिक। इजी क्वेश्चन आ रहे हैं अभी सारे। लैंड ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी किसे कहते हैं, इंडिया को, ईस्ट जर्मनी, यूएसएसआर, फ्रांस, स्विट्जरलैंड। लैंड ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, हिंट दूं आपको छोटा सा, हिंट ये है जो ये लैंड ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, रूसो भी उसी देश के हैं। सो रूसो कहां के रहने वाले थे और कहां पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी प्रैक्टिस होती है, और वो है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। सो वन ऑफ द एसेंशियल कंडीशन फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट द पीपल शुड बी डैश। आपकी डेमोक्रेसी, भारत की बात करो, जब डेमोक्रेसी की बात है बस भारत की बात कर लो। वो कह रहे हैं कि भारत में डेमोक्रेसी कामयाब कब होगी, वो कह रहे हैं कि भारत में डेमोक्रेसी कामयाब तब होगी अगर लोग कैसे हों, अगर लोग
प्रोपर्टाइड वन मतलब कि लोगों के पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी हो, संपत्ति हो, तो डेमोक्रेसी हमारी कामयाब होगी। अगर लोग एजुकेटेड हो, पढ़े लिखे हो, या फिर लोग सोशल सर्विस करना चाहते हो, उनका मन हो, उनका टैलेंट हो, हम करते हैं। गाय को भी हम भोजन देते हैं, बाकी जानवर को भी देते हैं, इंसानों को भी देते हैं। हमारे यहाँ तो आप कह लीजिए पूरा वो है, ट्रेडिशन है। वेल वर्स्ड इन द गेम ऑफ पॉलिटिक्स, या फिर लोगों को राजनीति की समझ है, या राजनीति का वो हिस्सा है, कब सक्सेसफुल होती है डेमोक्रेसी। तो क्वेश्चन है जी, लोग अगर पढ़े लिखे होंगे तो चीजें अच्छे से काम करेंगी, है ना, पढ़े लिखे होना, एजुकेटेड। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो, एजुकेटेड नहीं हो, तो आपको पता है कि आप जो रियल इश्यू है, मान लीजिए हमारी इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट, ये हमारी आप कह लीजिए कि लॉ एंड ऑर्डर, हमारी सिक्योरिटी, इन सारी चीजों के ऊपर आप वोट फिर नहीं करेंगे। ये सारी चीजों की आप डिमांड ही नहीं करोगे, आप डिमांड करोगे कि हमें, समझ गए कि कौन सी चीजों की तरफ फिर आप जाओगे, रिलीजन, कास्ट, क्रीड, है ना, जबकि ये आपके पर्सनल इश्यू हैं, पर्सनल मुद्दे हैं, पर्सनल चीजें हैं। सरकार से नहीं हमें कुछ लेना इसमें, नहीं हमें नहीं उनसे डिमांड करनी, ये हमारा घरेलू मसला है। घर के अंदर ही हम अपना धर्म फॉलो करेंगे, घर के अंदर ही अपनी जाति फॉलो करेंगे, जो भी आपको करना है कोई दिक्कत नहीं, इसमें हम ज्यादा नहीं जाएंगे। आप समझ गए मुझे लग रहा है, इजी क्वेश्चन आ गया, जो बातें कब से कर रहे हैं वही क्वेश्चन है। आउट ऑफ द फॉलोइंग हु चैंपियन द कॉज ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनमें से कौन डायरेक्ट डेमोक्रेसी से जुड़ा है। स्टालिन जुड़े हैं, नेहरू जी जुड़े हैं, रूसो, हर्बर्ट स्पेंसर, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। सही आंसर है जी इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन सी, रूसो। 16th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। लिबरल डेमोक्रेसी, लिबरल डेमोक्रेसी यानी कि लिबरल डेमोक्रेसी यानी कि उदारवादी लोकतंत्र की कौन सी एक विशेषता नहीं है। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल इन पॉलिटिक्स, क्या लोग एक्टिवली यहाँ पे पार्टिसिपेट इन्वॉल्व नहीं करते या करते हैं, आपको बताने की कौन सी नहीं है। यूनिवर्सल सफरेज, मैनहुड सफरेज, फ्री इलेक्शंस। सो गलत क्या है, कौन सी एक चीज नहीं होती, तो मैनहुड सफरेज। मैनहुड सफरेज का मतलब है कि जो सिर्फ मैन है वही वोट करेंगे, ऐसा तो ये यहां पे नहीं होता। यहां पे तो यूनिवर्सल सफरेज है, हर एक अडल्ट वोट कर सकता है ना। मैनहुड सफरेज कहां पे था, एथेंस के ग्रीक सिटी स्टेट्स में, जिसकी बात एरिस्टोटल करते हैं। ये तो क्वेश्चन चलो रहने देते हैं। द मॉडर्न डेमोक्रेसी इज नोन एज डैश, जो आजकल की डेमोक्रेसी है, आजकल का लोकतंत्र है, आप ऐसे कहिए जो इंडिया में लोकतंत्र है, वो क्या नाम से जाना जाता है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, पीपल्स डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, सोशलिस्ट डेमोक्रेसी। भारतीय लोकतंत्र को हम कैसे जानते हैं पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज में। सही आंसर है इसके लिए, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी से कहा जाता है पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज में। 19th क्वेश्चन है, द क्लासिकल डेमोक्रेसी, क्लासिकल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द राइटिंग्स ऑफ डैश। क्लासिकल जो डेमोक्रेसी है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी जिसे कहते हैं, उनके बारे में कौन बातें करता था। एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर्स, प्लेटो, अरिस्टोटल, सोक्रेट्स। ऐसा नहीं है कि उसे सपोर्ट करते थे, सपोर्ट नहीं पूछा, ये पूछा कि कौन उसके बारे में बातें करता था। चाइनीज फिलोसोफर्स, कन्फ्यूशियस, और क्या नाम है उनका, लाओत्से, ये वाले, प्रावधन, या फिर फ्रेंच फिलोसोफर्स ऑफ द 17th सेंचुरी। और इसे क्या कहा जाता है, हेलेनिस्टिक फिलोसफी। हेलेनिस्टिक फिलोसफी एंशियंट ग्रीक टाइम पीरियड को हेलेनिस्टिक टाइम पीरियड, और इस टाइम की फिलोसफी को हेलेनिस्टिक फिलोसफी कहा जाता है। आपने याद रखना है, इसके लिए सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए।